अंजनी सैंड से चंद्रवदनी के लिए। ये आ रही जी भागीरथी नदी सामने से दिख रही है टीरी डैम होते हुए, जो निकलती है गौमुख से, गंगोत्री गौमुख। अब जाके ये पैच लगभग ये मान के चलो हो ही गया समझो। अब ये है जी भागीरथी नीचे बह रही है। रोड वैसे उतनी चौड़ी हुई तो नहीं भाई भाई उतारने को राजी नहीं है, हद यार हद 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 है यार हद है। इसका मतलब ये थोड़ी ना यार तुम ही चलाओगे, हम भी तो चलाएंगे भाई इसमें। ये है जी भागीरथी नदी। और आगे है देवप्रयाग संगम। ओखी मठ मधमेश्वर घाटी वाली हिमगिरी है, रोडवेज गाड़ी भी आ गई है जो लास्ट ओखी मठ तक जाती है। पैंतीस किलोमीटर रह गया ब्यासी, और यहाँ से पौड़ी गढ़वाल के लिए, पौड़ी गढ़वाल बोले तो पौड़ी के लिए रूट कटता है जो मेन पौड़ी है मार्केट। आगे से लेफ्ट हैंड साइड को चला जाएगा देवप्रयाग से, और नीचे है काफ़ी भीड़भाड़ है संगम। संगम के नज़ारे लेते हैं थोड़ा, संगम के नज़ारे। ये है जी संगम भागीरथी है, वो अलकनंदा, और नीचे राफ्टिंग। भाई फिशिंग कर रहा, फिशिंग राफ्टिंग। चलते हैं भैया आगे को। ओए भाई ओ भाई, बर्फ देखने वाले काफी टूरिस्ट आ रहे हैं ऊपर, क्योंकि आजकल तो कुछ तो है नहीं वैसे ऊपर। ये आ गया जी वो पॉइंट जो पौड़ी गढ़वाल के लिए, सतपुली बाकी जगह के लिए बता रहा है। नीचे जो रोड जा रहा है वो वाला, भाई की गाड़ी देखो कितनी साफ है, आंखें चौंधिया रही हैं आंखें। ओ भैया पत्थर भरे हैं क्या इसमें चला लो भैया चला लो इसको, थोड़ा गियर डाउन करके हमें करना पड़ेगा गियर डाउन अब उस चक्कर में। चला लो भैया चला लो, ये ना चलाएंगे भैया हम ही चलाते हैं। और इस हाथ पे आएगा शिव मूर्ति, आएगा क्या आ गया है शिव मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति है शिव भगवान की। ये रहा दिल्ली 304, हरिद्वार 88, ऋषिकेश 56, देहरादून 99। बाप रे 100 अभी है यार, मैं सोच रहा कम होगा, 100 किलोमीटर और बाइक चलाना है अभी। और रेगुलर चल रहा हूँ, रेगुलर बोले तो सिर्फ चाय पीने के लिए और तेल डलवाने के लिए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक। ये है तीन धारा। अच्छा अच्छा ये पहुंच गया जी कोडियाला।
ये आ गया जी कोडियाला मार्केट, छोटी सी मार्केट है, और ये है ZMBN का नीचे गेस्ट हाउस। ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे भी। ये पहुँच गया जी 82 ऋषिकेश से ऊपर आते हुए फर्स्ट मार्केट, और यहाँ से जाते हुए सेकंड लास्ट बोले तो ये भी फर्स्ट लास्ट है, पर ऋषिकेश फर्स्ट है, मतलब ऋषिकेश से फर्स्ट और यहाँ से लास्ट मार्केट 82। खाने पीने का साजो सामान मिल जाएगा यहाँ पे, होटल वगैरह, होटल बोले तो खाने वाले, रहने वाले होटल नहीं, ठहरने की व्यवस्था पता नहीं, आइडिया नहीं है कुछ, लेकिन खाने का है। दिल्ली 274, मेरठ 190, हरिद्वार 50 और ऋषिकेश 30। फर्स्ट या सेकंड अक्टूबर को ट्रैवल किया था, तो उस टाइम इस पुल में आवाजाही नहीं थी, और इस टाइम आप पुल से ही ट्रैवल करेंगे, तो काफ़ी लंबा पुल है, मज़ा आएगा कुल मिला के, और व्यू आएगा आगे से जब ये लोहे के एंगल ख़त्म हो जाएंगे गाटर, उसके बाद व्यू आएगा सुंदर सा गंगा नदी का, फिर से अलकनंदा बोलने लगा था। तो ये है पुल और ये है नदी, गंगा नदी। पहुंच गया जी शिवपुरी। ओए जिप लाइन, ये है जिप लाइन एक मकान से दूसरे मकान पे। पता नहीं कैमरे में आया नहीं आया, पर मेरे को दिख गया था भाई, पहली बार देखा मैंने इधर से भाई। यहाँ देखो राफ्टिंग वालों की कितनी भीड़ है, और ऊपर ठंड के मारे ना बुरा हाल हो रहा, बुरा हाल। इनकी हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए, बाप रे इतनी ठंड में राफ्टिंग कर रहे हैं लोग। दुगड्डा 99 किलोमीटर, बाप रे, ये नीलकंठ वाला रोड चला गया, और ये जा रहा है नीर झरना। फाइनली पहुंच ही गए हैं ऋषिकेश लमसम। 1:25 हो गया, 8:15 निकला था घर से, ऋषिकेश पहुंचने में इतना टाइम लग गया मेरे को जी, अभी भी 10-15 मिनट तो लगेगा। तो पता नहीं क्या चलाते हैं यार, कोई इंडिकेटर नहीं कुछ नहीं, बस ये कर गए जी मेन ऋषिकेश में एंटर। जी तपोवन, ओ बस अड्डा जन तो आज है तुम्हारी गाड़ी कागता बस अड्डा पर खड़ी। अच्छा ठीक है, ये लेफ्ट गया लक्ष्मण झूला और सीधा गया ऋषिकेश मार्केट। और इधर से हो गया जी लेफ्ट मेन मार्केट ऋषिकेश, और ऊपर वाला है बाईपास गंगोत्री यमुनोत्री प्लस देहरादून के लिए, और वो मिलेगा नटराज चौक पे। तो अब चलते हैं मेन मार्केट से। और ये नीचे है राम झूला।
कर गई, स्किट कर गई, लग गई थी इसकी गाड़ी पे। ये पहुंच गए जी राम झूला। ये हालत है राम झूला की भैया। इधर से लेफ्ट को पार्किंग है और हमें सीधे चलना है। सर्व लव गिव लव। शहरों की भीड़ भाड़, ये आता है जी बाईपास वाला, फिर आगे चलेंगे। पहुंचने वाले हैं जी चंद्रभागा पुल पे और यहाँ से हम निकल जाएंगे बस अड्डे। बहुत ही भीड़ भाड़ है, बहुत ही। चले जी बस अड्डे की साइड। कहाँ पे छोड़ो जी? यहीं पे छोड़ दूँ? अच्छा जी, ठीक है साहब, ठीक है, चलो फिर होती है मुलाकात अब। ये राजी बस अड्डा, पहुँच गए बस अड्डे। अब करता हूँ फोन भाई लोगों को। यह टीरी बस अड्डा, ये वाला ये हैं अपने ताज भाई, ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए और अब धीरे चलो रे। टू व्हीलर से पहुंच गए सीधे सिक्स व्हीलर में। लगभग 215 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब पहुंचा हूँ ऋषिकेश और भाई लोगों से मुलाकात की और इसके बाद सफ़र होगा आगे का देहरादून का 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर लमसम। और टाइम हो गया 2:13, तो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और फिर चलते हैं। हो गया जो टाइम विदा लेने का, 5:22।